बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट विद उम्मेहरीम। आज बन रही है सियालकोट की स्पेशल दाल चना और माश, तो खुश आमदीद कहते हैं फिर आपको। तो मैंने दाल चना ली है एक पाव और उसका एक हिस्सा लिया है मैंने दाल माश को। साथ में मैंने ली है 6 से 7 हरी मिर्चें, एक छोटी सी प्याज, 7 से 8 लहसुन के जवे और अदरक का टुकड़ा। एक प्रेशर के अंदर मैंने तकरीबन 4 लीटर पानी शामिल किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है इसके अंदर। साथ में अब मैं शामिल करूंगी जो प्याज थी उसको छोटा छोटा काट के, 6 से 7 हरी मिर्चें जो थी उनमें से 5 मैंने डाल दी हैं, जो बाकी हैं वो मैं बाद में शामिल करूंगी। और यहाँ पे दाल चना और दाल माश को भी मैंने शामिल कर दिया है। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी और नमक हसबे जायका। हमारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, अब हम इसको प्रेशर पर लगाएँगे। और दालों को जल्दी गलाने का या जल्दी पकाने के लिए सबसे अच्छी टिप यही है कि आप जब भी दाल को पकाना चाहें तो सबसे पहले दाल को भिगो दें और जब आप प्रिपरेशन करने लगें तो पानी को पहले ही चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। इस तरह से जो टाइम है वो काफ़ी बच भी जाएगा और जो दाल है वो भी अच्छे से गल जाएंगी। अब 25 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला तो हमारी जो दाल है वो काफ़ी बेहतरीन सी गल गई है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें जो 2-3 रह गई थी वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग जो है वो इसके अंदर शामिल की है, ये वैसे ऑप्शनल है। और साथ में मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है इसके अंदर। हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको बस पकाएंगे और बाद लगाएंगे इसको बघार। बघार लगाने के लिए मैंने लिया है एक प्याज, इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1/2 कप घी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऑयल में भी बना सकती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सुर्ख करेंगे, मगर इसको हमने डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना। ये जो दाल का असल जायका है वो इसके होता है तड़के में और इसके मसाले में, ये बात जहन में रखिएगा कि तड़का लगाते वक्त कोई कंजूसी नहीं करनी घी या ऑयल की। अब हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको कर रहे हैं सर्व। ये लीजिए, हमारी लजीज दाल तैयार है माँ चना की। इसको इन्जॉय करें और मेरे तरीके से बना कर देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।